मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुजफ्फरनगर बसपा में टिकट की बिक्री का मामला कोतवाली पहुंचा है। पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राइन पर लाखों रुपए लेने का आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मुजफ्फरनगर से मिल रही है। बसपा चरथावल विधानसभा प्रभारी अरशद राणा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा नेता अरशद राणा का आरोप है कि टिकट के नाम पर करीब 67 लाख रुपए हड़पे गए हैं। थाने में अरशद राणा ने नेता शमसुद्दीन रायन के खिलाफ तहरीर दी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। बसपा नेता अरशद राणा इंस्पेक्टर के सामने फूट फूट कर थाने में ही रोने लगे। बसपा नेता अरशद राणा की चेतावनी ये है कि इंसाफ नहीं तो आत्मदाह कर लूंगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मुजफ्फरनगर से मिल रही है, जहां पर इन चुनावों में धांधली होने का आरोप लगाया गया है। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मेरे को कभी इस तरह सोचा नहीं था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर मिटा के यूं कहते हैं कि मैं तेरे जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग प्लेग सब कुछ मैं कर रहा हूँ। उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरनगर से मिल रही है। दरअसल बसपा में टिकट की बिक्री का ही पूरा मामला कोतवाली पहुंच गया। पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राइन पर लाखों रुपए लेने का आरोप लगा है। बसपा चरथावल विधानसभा प्रभारी अरशद राणा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा नेता अरशद राणा का आरोप है कि टिकट के नाम पर 67 लाख रुपए हड़पे गए हैं। थाने में अरशद राणा ने नेता शमसुद्दीन राइन के खिलाफ तहरीर दी है और थाने में ही इंस्पेक्टर के सामने फूट फूट कर वो रोने लगे हैं। बसपा नेता अरशद राणा की चेतावनी है कि इंसाफ नहीं मिला तो आत्मदाह कर लेंगे।